सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल को जो है हेयर वॉश करने के बाद देखिए ये सूख गए हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, एंड कैसा है आप सभी लोग। एंड यस, या फिर शादी हो या पार्टी हो, हमेशा हमें चाहिए रहता है ना कि हम अपने बालों को मनचाहा कलर दे और पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। आप सब लोग एग्री करते हो, तो सभी लोग ये करते हैं। तो पार्टी में जाने से पहले या फिर शादी में जाने से पहले, कहीं भी मतलब हम जब जाते हैं, यू नो ओकेजनली जैसे कुछ फंक्शन एंड ऑल, ये सारी चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने बालों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, हम अपनी स्किन के बारे में पहले सोचते हैं, फेशियल करा ले, अपने बालों को थोड़ा अच्छा कलर कर दे, है ना। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं और हम करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पतंजलि का, आप मनचाहा इसमें कलर यू नो चूज कर सकते। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पतंजलि के ये वेरिएंट जो कि आए हैं मार्केट में। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अपने बालों को अगर फंक्शन में जाना चाहते हैं, काला करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं पतंजलि का हर्बल मेहंदी डाय। नेचुरल कलर है, बट येस और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि आपको ईचिंग एंड ऑल की प्रॉब्लम होती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये है वो पतंजलि का ब्लैक कलर, जो आप अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं। यस, ये पूरा एक महीने तक रहता है गाइज, और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल तत्वों से बना है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल तत्वों से बने हुए यू नो चीजों को ही हमें यूज करना चाहिए, ना कि केमिकल वाली चीजों को हम अप्लाई करना चाहिए अपने बालों पे। तो यस, ये है ब्लैक कलर, और उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है नेचुरल ब्राउन कलर। सो मनचाहा कलर आप पा सकते हैं अपने यू नो हेयर्स के लिए। तो पतंजलि में बहुत सारी ऐसी ऐसी वेराइटीज आई है यू नो कलर्स की, हेयर कलर्स की, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। मैं लेकर आई हूँ डार्क ब्राउन कलर, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना गाइज, तो वो थी नेचुरल ब्राउन कलर की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे सच में नेचुरली ब्राउन हुआ था मेरा बाल, और यू नो हल्का था बट इतना भी एकदम से ब्राउन कलर नहीं था। तो ये इस टाइम मैं डार्क ब्राउन लेकर आई हूँ, और मैं इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये ब्लैक वाली है जो मैंने ये अभी ये भी नहीं लगाई है, यूज नहीं किए, इसका भी रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यस, ये दोनों प्रोडक्ट्स बाद में हम यूज कर लेंगे, मैं यूज कर लूंगी। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, यस ऑब्वियसली मुझे पार्टी में जाना है, तो आप भी सोचो कि बर्गंडी कलर की उन्हें यूज कर ले। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ केश कांति हर्बल मेहंदी, जो कि है बर्गंडी कलर, और मैं इसे यूज करूंगी आज, और पूरा डेमो करके आपको बताती हूँ किस तरह से इसका इसे यूज करना है, अपने बालों पे अप्लाई करना है, फुल डेमो देखिए आप। एंड यस, मैं इसका जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो हेयर वॉश करके आप लोगों को यू नो डार्क रूम में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बट यस बाहर जब धूप में जाएंगे तो आपको उसके यू नो कलर्स जो है समझ में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप अपने आईब्रोज पे, अगर आपके यू नो ये पलक होती है वहां पे, या फिर कहीं पे भी अलग अदर देन हेयर की जगह पे कहीं पे भी आपकी ये डाई लग जाती है, यू नो हर्बल है बट ये कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट ये अगर सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो आप अपने कान के पीछे यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे कान के पीछे यहाँ पे एक सेंसिटिविटी टेस्ट करिए, और अपने हाथों के इस साइड में सेंसिटिविटी टेस्ट आप कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब जो ये कलर्स है ना आपको इरिटेशन तो नहीं दे रहे, तब जाके आप अपने बालों पे अप्लाई करिए, इस तरह से ना अप्लाई करना। तो मैं जा रही हूँ आज करने पतंजलि हर्बल केश कांति मेहंदी, जो कि बर्गंडी कलर, 20 ग्राम की है ये गाइज, और सिर्फ हाँ बर्गंडी वाली जो है ये 30 रुपीज की है, ये 30 रुपीज का पाउच है, एक्चुअली ये 30 है क्योंकि है ये बर्गंडी कलर, और बाकी की जो यू नो पाउचेस है वो सिर्फ 20-20 रुपीज की, तो ये 20 रुपीज की है, तो अच्छी खासी है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा यू नो महंगी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको बर्गंडी कलर देना है अपने बालों में तो इतना कॉस्टली भी नहीं है, और इसमें है कलरिंग, नेचुरल कंडीशनिंग एंड शाइन करता है आपके हेयर्स को। तो चलिए देखते हैं कितना वर्क करता है और कितना यूजफुल और कितना अच्छा है ये। तो आप लोगों को सेंसिटिविटी टेस्ट क्या मैंने बता दिया, और इसे बनाने का जो तरीका है ना वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको जरूरत है एक बाउल की, एक ब्रश की, एक कोम की, और यहाँ पे मैंने लिया है 80 ml का वाटर, 80 ml तक वाटर लग जाएगी आपको, और ये है पतंजलि की केश कांति हर्बल मेहंदी बरगंडी वाली। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये बरगंडी कलर है, ठीक है, फॉर कलरिंग, नेचुरल कंडीशनिंग, शाइन ऑफ हेयर, 20 ग्राम है, और ये मिली है कुछ 30 रुपीज की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, और सबसे पहले यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे, ये रहा, और एक बाउल लेना है, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बाउल ली है, आप भी प्लास्टिक की बाउल में ही बनाइए इसे,
और ये देखिए ये इसका इस तरह से कलर है, ठीक है। और हम भी इसमें अब ऐड करेंगे वाटर को, तो वाटर हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। और अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लिया, सबसे पहले अपने बालों को आप टैंगल कर लीजिए, तो आप मेरे बाल देख सकते हैं। और यस गाइज, मैं अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, ऑब्वियसली सभी को करना चाहिए। और बालों को टैंगल फ्री करके पार्टीशन कर लेंगे हम सबसे पहले। और ये मेरी सेकेंड वीडियो है जो मैं बनाया है पतंजलि की यूट्यूब पे, तो हेयर कलरिंग आप चेक कर सकते हैं। मेरी पहली वाली वीडियो, फर्स्ट जो वीडियो मेरी हेयर कलर की थी पतंजलि की नेचुरल ब्राउन, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले टैंगल फ्री कर लीजिए अपने हेयर्स को, और उसके बाद हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो मिक्सचर बनाया है उसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो ये पूरी एक फ्लो में गिरे ना, तो आप समझ जाना कि ये परफेक्टली बन गया है आपका, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्लो में जा रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपकी लिक्विड कंसिस्टेंसी रेडी कर लीजिए। और उसके बाद यस ब्रश की हेल्प से आप इसे यूज करिए। ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स है गाइस, तो मैं यहाँ पे ग्लव्स यूज नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो ग्लव्स यूज कर सकते हैं। और मैं एवरी टाइम कोम का यूज करूंगी ताकि वो मेरे बालों में अच्छी तरह से इवनली लग जाए, तो ये कोम यूज करने वाली हूं मैं। और आप भी बड़े दांतों वाली कंघी लीजिए ताकि आप उसे अच्छी तरह से यूज कर सके। तो मैं इसे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। और यस, तो यहां से सो फ्रेंड्स, बरगंडी हर्बल मेहंदी केश कांति पतंजलि का मैं इसकी अगर कंटेंट की बात करूँ तो इसमें है हेना, आंवला, मेथी, शिकाकाई, नीम, भृंगराज, कत्था है, इसमें चाय की पत्ती है, कलौंजी है, नीम का पत्ता है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं ये, जो कि बहुत ही नेचुरल है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही हमें अपने बालों पे यूज़ करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि इसका कलर कितने दिन तक रहता है, पूरे एक महीने तक आपके बालों में इसका कलर रहता है, और बहुत ही अच्छा कलर आता है गाइस, सीरियसली, और ज़रूर यूज़ करना। और मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से वीडियो में ट्राई करके और इसके कलर जो भी है बताऊँगी, लास्ट तक वीडियो देखिए। और इसकी ये जो बरगंडी कलर है बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद आप इसे नॉर्मल शैम्पू से भी अपने बालों को धो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं यहाँ पे इंदुलेखा शैम्पू जो यूज़ करती हूँ एवरीडे, मैं उसी शैम्पू से अपने बालों को वॉश किया था और बेस्ट रिजल्ट आता है गाइज, ज़रूर ट्राई करिए। और ये बरगंडी कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसमें कोई भी इरिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। So, बरगंडी कलर को पूरा अच्छी तरह से सूखने के लिए देते हैं कुछ आधे घंटे, और ये निकल जाएगी आराम से, साबुन से अगर आप धोते हैं तो आराम से ये निकल जाती है। तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, ताकि अदरवाइज ये कलर चढ़ जाएगा पूरा। आप बेकिंग सोडा लेमन लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा गाइस। थोड़ा थोड़ा निकला है मेरे हाथ से ये कलर, और मैं पूरा रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में। जैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा धूप में थोड़ा बहुत, यहाँ पे देखिए कलर्स, यू नो मेरे बालों में कलर जो दिख रहा होगा आप लोगों को, बरगंडी कलर यहाँ से दिखेगा जब मैं धूप में जाऊँगी। और ये देखिए ऑब्वियसली ये दिखेगा, यू नो हल्की सी बरगंडी कलर आपको दिख रही होगी जैसे मेरे बालों में, तो ये दिखेगा उस टाइम पर। और काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, और यू नो मेरे बाल इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो चलिए गाइस, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। सो काफ़ी अच्छा कलर आया है एंड द बेस्ट रिजल्ट। और आपको क्या चाहिए, 20 रुपीज़ के प्रोडक्ट से और आप क्या ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस हल्की हल्की सी आप लोगों को दिख रही होगी कलर। और जब मैं धूप में जाऊँगी तो इसके एक पिक लूँगी और ज़रूर मैं कम्युनिटी पर पोस्ट करूँगी गाइज़। सो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।